दोस्तों यहां पे वीडियो में आगे बढ़ने से कहना चाहूंगा एक बात हमारे सभी प्यारे देशवासियों से कि भैया यहां पे आ गए हैं मित्रों हमारे आईफोन दुबई से इंडिया। अभी जो रिजल्ट है गिवअवे का वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें और देखते हैं कि ये दोस्तों किसको मिलते हैं हमारे तीन तीन ब्रांड न्यू आईफोन 10। दोस्तों यहां पर पहला अपडेट इसी बात पे, एक लाइक तो बनता है भाई, अभी कितने होंगे। आज का जो टारगेट है वो है सभी आपके प्यार की ताकत का। दोस्तों यहां पर पहला अपडेट है वो निकल के आता है एक बहुत ही कमाल की स्टडी को लेके, जहां पे मालूम ये चलता है कि एक्चुअल में जो वुमेन है वो दोस्तों ज्यादा जो है वो है टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कंपेयर्ड टू मेन, लेकिन वो दोस्तों होती है एक तरीके से अंडर रिप्रेजेंटेड बिकॉज वो कभी शायद सामने आ नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर उनकी जो स्किल टेक्निकल वो काफी ज्यादा होती है। अब इस रिसर्च के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर लीजिए कमेंट्स में, लेकिन ये काफी डिफरेंट टाइप की रिसर्च है जो कि हम जो देखते हैं चारों तरफ उसका जो रिजल्ट है वो काफी उससे उल्टा ही है। और यहां पे दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया बहुत ही कमाल की छतरी को लेके। अभी अगर आप दोस्तों होते हैं कि बरसात में बाहर या फिर अगर दोस्तों यूज करते हैं छाता, तो ये एक ऐसी कमाल की छतरी है जो आपको अपने आप बता देगी कि भैया बाहर बारिश होने वाली है कि नहीं, क्या आपको इसको कैरी करना चाहिए या नहीं, और अगर दोस्तों आपको कहीं पर रख के भूल जाए तो बाद में उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और सबसे दोस्तों खास बात यह है कि ये फ्लावर पॉट नहीं बनेगा तेज हवा में, क्योंकि यहां पे ये 55 माइल्स पर आर तक की जो हवा है उसको झेल सकता है, तो आंधी तूफान बरसात गर्मी सभी जगह में शायद आपकी जो मदद है वो ये छाता कर देगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है इंटेल की तरफ से, और यहां पे इंटेल ये प्लानिंग करता है कि वो जो चिप्स बनाता है वो काम में ली जाए जितना जल्दी हो सके उतना मोबाइल फोन्स में, क्योंकि यहां पे दोस्तों अभी इंटेल ने डेवलप कर लिया है अपना 5G मॉडम, और अभी रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो आने वाला अगला आईफोन होगा उसमें एप्पल भी क्वालकॉम की जगह जो मॉडम काम में लेगा वो होगा इंटेल का। तो ये हम देखते हैं कि कितना तेजी से ग्रो कर पाता है इंटेल मोबाइल फोन के मार्केट्स में अपने इस शेयर को। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग की तरफ से, और यहां पे दोस्तों सैमसंग जो है वो लॉन्च करने वाला है 1 दिसंबर को अपना एक फोन जहां पे लगा होगा एक कैमरा जिसका जो एपर्चर है वो होगा f1.5 का। मतलब ये बहुत ही कमाल की चीज है f1.5 का एपर्चर। हालांकि दोस्तों ये जो है ये एक फ्लिप फोन होगा जो कि बना होगा स्पेसिफिकली साउथ कोरिया के लिए, लेकिन आप ये मान लो कि इसका मतलब जो गैलेक्सी S9 का कैमरा होने वाला है वो बहुत ही कमाल होने वाला है। और ऐसे दोस्तों चाहे बोके हो चाहे हो लो लाइट परफॉर्मेंस, आपको बहुत ही बेहतर जो है रिजल्ट मिलने वाले हैं शायद सैमसंग के अपकमिंग कैमरा से। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया एक बहुत ही अच्छी रिसर्च को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे पास में आता है एक अपडेट जो कि है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और यहां पर मालूम ये चलता है कि मशीन लर्निंग से अगर दोस्तों हम देखते हैं किसी भी इंसान के एक्सरे को, तो यहां पर जैसे इतने कमाल के एल्गोरिथम्स हैं कि हम न्यूमोनिया के बारे में काफी अच्छे तरीके से दोस्तों पता लगा सकते हैं कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि जो मशीन है वो आपको बता देगी बेहतर तरीके से कि दोस्तों इंसान है उसको न्यूमोनिया होने वाला है या नहीं। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, और आगे चल के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वगैरह जो है वो सब जगह पर घुसने वाला है, और ऐसे में हमको शायद बेहतर तरीके से जो हमारी वैल्यू है वो प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार एक बहुत ही कमाल की चीज के लिए, दोस्तों ये है करीब 6 लाख रुपए की एक छतरी जिसके अंदर बैठ सकते हैं 4 लोग लेके KFC की बकेट और दोस्तों खा सकते हैं अपना फेवरेट KFC। लेकिन ये क्या करता है मालूम है, यहां पर दोस्तों ये जो है ये सभी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, तो कहने का ये बात हो गई कि जो आपके मोबाइल फोन्स वगैरह है वो इस छतरी के अंदर काम नहीं करेंगे। तो आप पहले $10,000 दो, ये छतरी लो, बेसिकली टेंट ले लो, उस टेंट के अंदर बैठ जाओ एकदम रिलैक्स करके, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी की फोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फोन बेसिकली काम नहीं करेगा, और उसके बाद में आप अपने फेवरेट मील को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक समझदार जो इंसान होगा वो बेसिकली अपना फोन रख देगा एयरप्लेन मोड पे, कर देगा उसको साइलेंट, और उसके बाद में अपने पैसे बचा लेगा और KFC को भी एंजॉय कर लेगा। दूसरा तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे बोस्टन डायनेमिक्स के दोस्तों बहुत ही कमाल के रोबोट को लेकर, और ये जो एटलस रोबोट है मतलब ये क्या दोस्तों कमाल कर रहा है, यहां पे ये बैक फ्लिप लगा रहा है, यहां पे ये जंप कर रहा है और एकदम स्टेबल है। तो आप ये आगे चल के मान लो कि जब आएंगे रोबोट्स हमारे पास में तो वो एकदम इंसानों की तरह दोस्तों होंगे, और यहां पे वो करेंगे सभी तरह के जिमनास्टिक्स कंप्लीट, क्योंकि यहां पे जो उनका बैलेंस है वो अभी धीरे धीरे और इंप्रूव हो रहा है। पहले एक टाइम पे तो रोबोट ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन यहां पे अभी ये कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो अभी ऐसे में देखो क्या पता ऐसे ही रोबोट्स आपको आपके चारों तरफ देखने को मिल जाए चलते हुए घूमते हुए मार्केट में। यहां पर अगला अपडेट है वो निकल के आता है वर्जिन हाइपर लूप 1 की तरफ से, और ये दोस्तों हाइपर लूप 1 ही है जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, जो कि दोस्तों यहां पे इन्वेस्टमेंट था तो ऐड हो गया स्टार्टिंग में वर्जन। लेकिन मेन खबर ये है कि ये अभी इंडिया में अपने नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, यहां पे हाईलाइट किए हुए 3 सिटीज जहां पे दोस्तों नाम है बेंगलोर का, मुंबई का और अमरावती का, यानी कि दोस्तों यहां पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपको शायद ऐसी तेज स्पीड से चलने वाली हाइपर लूप 1 देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सालों के बाद में। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों निकल जाता है वो है एप्पल के स्मार्ट स्पीकर होम पॉड को लेकर, और ये हो गया है डिले
दोस्तों पहले जो डेट्स थी वो थी दिसंबर के महीने की, लेकिन अब वो बन गया है अर्ली 2018। तो अब वो कब है, कैसे है, क्या है, वो हम देखेंगे। एप्पल ऐसा काम अक्सर करता है, कभी अगर कुछ प्रोडक्ट जो है वो पहले अनाउंस कर देता है, उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे उसको शिफ्ट कर देता है। सेम दोस्तों सीन हुआ था यहाँ पे एप्पल वॉच जो थी सबसे पहले वाली उसके साथ में, लेकिन अभी ये स्पीकर इतना महंगा है, इसको भी परचेज करेगा क्या? एप्पल जो परचेज करता है ना फिर वो महंगा सस्ता देखता नहीं है। लेकिन ये दोस्तों आएगा मार्केट में अगले साल की शुरुआत में। और यहाँ दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया आईफोन 10 के फेस आईडी को लेके। और यहाँ पे बाय चांस एक बार एक ऐसा हो गया सीन जहां दोस्तों 10 साल के बच्चे ने अपनी माँ के द्वारा लॉक किए गए फोन को कर दिया अनलॉक अपना चेहरा दिखा के। यहाँ दोस्तों आप देख लो फोटो, मम्मी और बेटे की दोनों दोस्तों शक्लें वो मिलती है काफी आपस में। तो यहाँ पे धोखा खा गया आईफोन 10 और दोस्तों हो गया अनलॉक। इस बारे में भी एप्पल जो है वो एकदम चुप है, एप्पल अभी कुछ बोल नहीं रहा है। और एप्पल जो है वो ये बोलता है कि भाई अब देखो जो हमारा है वो तो बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो भी है वो देख लो। तो ऐसे में अगर दोस्तों आपकी शक्ल किससे मिलती है तो बेटर है कि पासवर्ड लगाओ, फेस आईडी को यूज मत करो। यहां दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है ट्राई की तरफ से। और यहां पे ट्राई ने अभी पूछ लिया है रिलायंस कम्युनिकेशन से कि भैया एक बात बताइए कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन सबके अपने अपने अकाउंट में कितना कितना बैलेंस था, कितना कितना टॉक टाइम था, वो हमको बता दो। बिकॉज दोस्तों यहां पे सर्विसेज जो है वो हो रही है बंद, और अभी जो है वो लोग पोर्ट कर सकते हैं 31 दिसंबर तक जो सर्विसेज है वो बंद हो जाएंगी 1 दिसंबर को। तो ऐसे में भैया जिसका जो बैलेंस वगैरह पड़ा है उसका क्या होगा, रिफंड मिलेगा क्या, दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स होंगी। यहां पे ट्राई उसी के बारे में बात कर रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन की कंपनी है अनिल अंबानी की। मुकेश भाई वाले जो जियो है ना वो एकदम धमाके वाला काम करता ही जा रहा है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे भैया दुनिया के पहले ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट को लेके। दोस्तों ये जो है ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। ऐसे में ये जो एक इटालियन साइंटिस्ट है वो दोस्तों बोलते हैं कि भैया हम ऐसा करने वाले थे पहले, दोस्तों मतलब बहुत पहले से वो इसके ऊपर जो है वो काफी काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने अभी फाइनली बोल दिया है कि 18 घंटे की एक सर्जरी हुई थी जिसके बाद पहली बार सक्सेसफुली ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट किया गया है। और यहां पर दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों में उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो पब्लिश करेंगे रिसर्च पेपर में। लेकिन आपने लिवर ट्रांसप्लांट सुना था, किडनी का सुना था, हार्ट का सुना था, तो यहां पे दोस्तों अभी हम पूरे पूरे सिर का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कंसेप्ट बड़ा ही अमेजिंग है और ऐसे में डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, बहुत टीडियस है, लेकिन अगर दोस्तों ये एक सक्सेसफुल हो गया है तो ऐसे में आगे चल के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो भैया एक बहुत ही सीरियस इशू है जहां पे मालूम ये चलता है कि समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर गहराई पे रहने वाले दोस्तों जो है क्रिएचर्स उनके पेट में मिला है प्लास्टिक। मतलब हमने उनको भी नहीं बख्शा कि वो पानी में इतना नीचे है दोस्तों, फिर भी उन तक पहुंचा दिया है हमने प्लास्टिक। बिकॉज हम जो है वो कचरा फैलाते हैं भरपूर मात्रा में, और यहां पे वो कहां कहां तक पहुंच रहा है वो दोस्तों हमको एक बार सोचना पड़ेगा, वरना धरती हमको प्यारी अगर है तो हमको दोस्तों यहां पे लंबा समय अगर व्यतीत करना है इसके लिए थोड़ा तो ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना ऐसे में तो भैया उनका पेट खराब हो जाएगा जो पानी के नीचे रहते हैं, तो ऐसे में मजाक उड़ना आएगा। दोस्तों बस यही था सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।